दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो लोग खाना खाने के बाद चाय पीते हैं दरअसल वो क्या करते हैं। अगर आप भी खाना खाने के बाद चाय पीना पसंद करते हैं तो इससे बेहतर है आप जहर पी लीजिए, क्योंकि दोनों एक ही बराबर हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको ये फैक्ट बताने जा रहा हूं कि खाना खाने के बाद चाय पीने के आपके हेल्थ पे क्या असरात पड़ते हैं और कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। इससे पहले हम आगे बढ़ें ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए लाल बटन दबा के और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको वसूल हो सके। दोस्तों जैसा कि मैं बात कर रहा था खाना खाने के बाद चाय पीना, ये आप जान लीजिए कि ये है क्या, साइंस इसकी है क्या। दोस्तों जो चाय की पत्ती होती है उसका मिजाज होता है गर्म खुशक। इसके अलावा वो इंतहाई दर्जे की एसिडिक होती है, यानी तजाबियत की हामिल होती है, बिल्कुल बहुत ज्यादा खुशक होती है। जब आप खाना खाते हैं और उसके फौरन बाद चाय पीते हैं तो ये चाय फौरन जाके मैदे में आपके खाने में मिक्स हो जाती है। वो एक काम तो ये करती है कि आपको ये जो खाना होता है उसको बहुत ज्यादा हजम करने में मुश्किल बना देती है मैदे के लिए। इसके अलावा वो तजाबियत पैदा करती है जो मैदे में जलन का बायस बनती है। इसके अलावा जो है अगर उस खाने में प्रोटीन है आपने खाया है तो वो प्रोटीन समझिए आपका जाया हो गया, क्योंकि वो प्रोटीन इतना हार्ड हो जाता है मैदे के लिए हजम करना कि मैदा उसको हजम नहीं करता और गजाइत दिए बगैर ही उसको आगे भेज देता है। अम्यूनो एसिड वगैरह कुछ आपको नहीं आप उस गजा से एक्सट्रैक्ट कर सकते। इसके अलावा अगर उस गजा में जो आयरन पोर्शन मौजूद है वो भी आपके जो है जिस्म को जो गजा है उसमें आयरन को इस तरह वो तब्दील कर देता है कि आपका जिस्म उसको जज़ब नहीं कर पाता, यानी हमारा प्रोटीन भी जाया जाता है, हमारा आयरन भी जाया जाता है, इसके अलावा हमारा हाजमा खराब होता है, इसके अलावा तजाबियत अलहदा होती है जो मैदे में जलन का बायस बनती है। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत ज्यादा इसके नुकसान है, यानी आप समझ लीजिए आपने खाना खाया चाहे पी खाने की गजाइत आपको नहीं मिला, जो आपने टेस्ट लिया है वही है, गजाइयत नहीं है। इसके अलावा तजाबियत भी आपने मुफ्त में ले ली और जलन भी। तो दोस्तों इसके लिए मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ मैं अपने सारे व्यूवर से कि ये जो खाना खाने के बाद जो चस्का आपने चाय का लगाया है इसको फौरन तर्क कर दीजिए और बिल्कुल आप खाना खाएं उसके कम अज कम भी कोई भी टी हो वो आपने एक घंटे बाद पीनी है। एक घंटे से पहले आपने कुछ भी कोई किस्म की चाय नहीं लेनी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि क्या नुकसानात हैं खाना खाने के बाद चाय पीने के और आप इसको तर्क कर देंगे। दोस्तों ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी जो वीडियोज़ हैं उसको ज़रूर शेयर किया करें अपने दोस्तों फैमिली फ्रेंड और दूसरे सर्कल्स में ताकि उनको भी पता चल सके कि छोटी छोटी लाइफ में चीज़ें कितनी ज़्यादा नुकसानदेह भी हो सकती हैं और फ़ायदेमंद भी हो सकती हैं और कैसे आप घरेलू चीज़ों से सेहतमंद रह सकते हैं और डॉक्टर हॉस्पिटल्स के चक्कर से बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप शेयर करेंगे और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा। इजाज़त चाहूँगा।